हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वैताल फिर उसी डाल पर जाकर लटक गया। कई चालें चली उसने इस आशा में कि विक्रम घबराकर लौट जाए, परंतु विक्रम टस से मस न हुआ। उसने वैताल को अपने वश में किया, अपने कंधे पर लादा और चल पड़ा। और हमेशा की तरह वैताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी थी विधवा भागवती और उसकी जवान बेटी धनवती की, जो अपने दुर्भाग्य की मारी एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी। परदेश है, यहाँ कोई हमारा जान पहचान वाला भी तो नहीं है। यहाँ बैठ जा, आज थोड़ी देर आराम कर ले, बैठ। सो जा, कल दरबार में हाजिर होना है, नहीं तो वहां उबेगा जाके। अरे कौन सा राजा मेरे सर पर मुकुट डालेगा, फांसी पर ही तो लटकाएगा ना। सो जा, मैं कहता हूँ सो जा। अब तो आखिरी बार ही सोऊंगा सिपाही जी। भैया थोड़ा पानी पीने को मिलेगा? वो गली में मटका रखा है भाई, वहां से भर ले। अच्छा माँ, तनिक पानी हमें भी पिला देना, कंठ सूख रहा है। ये इसे बांध क्यों रखा है? चोर है, नामी चोर, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया। लेकिन तू कौन है? परदेसी है भैया, गांव में हमारा सब कुछ लूट गया, छोड़ छाड़ के यहाँ चले आए, सोचा जहां भाग्य ले जाए। जा भर ले पानी। अच्छा ये बेटी धनवती, इसे थोड़ा पानी पिला दे। ये धनवती तेरी बेटी है? हाँ। इसकी शादी नहीं हुई? नहीं। एक बात कहूं, इसका ब्याह मेरे साथ कर दे। देखो तो सही क्या बके जा रहा है ये मुआ। अबे ओ, कल फांसी पर चढ़ेगा और आज रात तुझे ब्याह की सूझ रही है? क्या बताऊं सिपाही जी, सारी जिंदगी चोरी चकारी, बहुत पाप किए मैंने। सोचा था कभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बसाऊं, बाल बच्चे हो, कोई तो हो जो मरने पर पानी दे सके। आज की रात तू सोच सोच कर बिता ले, क्योंकि आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। अब जो होगा अगले जन्म में होगा। अगला जन्म होगा तब ना, मरने के बाद मैं प्रेत बनकर भटकूंगा, मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे, निपुता मर रहा हूं ना। भाई जरा लोटा देना, मैं पानी पी के आता हूँ। और सुन, भागने की कोशिश नहीं करना। अब तो मैं जिंदगी से ही भागूंगा सिपाही जी। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो कल फांसी पे चढ़ने ही वाला हूँ। मेरे पास मेरी सारी संपत्ति, सारा धन है, जिसे मैंने जगह में गाड़ रखा है और जिसका पता किसी को नहीं है, और ना ही मैं किसी को बताने वाला हूँ। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए,
और मैं मरने से पहले आपको उस जगह का पता बता दूंगा जहां पे वो धन पड़ा हुआ है। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप अपना शेष जीवन सुख से बिता सकते हैं। ठीक है, मानती हूं हमारा भाग्य खुल जाएगा, लेकिन एक रात का दूल्हा बनकर तुझे क्या मिल जाएगा? मुक्ति, प्रेत योनि से मेरी आत्मा की मुक्ति। धनवती को जब बेटा होगा तो वो पिंड दान करेगा, श्राद्ध करेगा, और पिता होने के नाते पिंड पर अधिकार मेरा होगा। मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मां, मरने से पहले मेरी कृपा स्वीकार करो, मुझे मुक्ति दिलाओ मां, मुझे मुक्ति दिला दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। ले भाई तेरा लोटा। आ बेटी, आज सिपाही जी। क्या है? मेरी कमर में दो सोने की मोहरे हैं, जरा से निकालना। क्या है? सोने की मोहरे मुझे दे रहा है क्या? नहीं, वो सामने पंडित जी रहते हैं, जरा आप उनका जाके दरवाजा खटखटाइए ना। क्यों? आज रात मेरा ब्याह रचा जाएगा। और कल तो फांसी पर चढ़ेगा। मुझे फांसी कल होगी, लेकिन आज मेरे भाग्य में दूल्हा बनना लिखा है। ठीक है भाई, बुला लेता हूँ पंडित। जगह बताई थी उसने, मूर्ति के सामने की जमीन के नीचे, यानी यहां।
सब कुछ नहीं मिलता और वे जीवित रह जाते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। दुनिया में पैसा है तो सब सुख मिल जाते हैं बेटी। पैसा बहुत बड़ी चीज है। एक बात बताओ बहन, धनवती के हाथ कब पीले कर रही हो? कुंवारी लड़की को कब तक घर में बिठा कर रहो कुबी बहन? देखो ये बिल्कुल ठीक कहती है। ठीक कह रही है, मैं भी तो यही चाहती हूँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं जल्दी से। पर एक बात है, मैं उसे यहीं रखूंगी अपने साथ। अच्छा तो मैं समझ गई, तुम्हें घर दामाद चाहिए। और नहीं तो क्या, इतने बड़े घर में मैं अकेली थोड़ी रहूंगी। तो ढूंढो ना, हाथ पे हाथ धरे रहने से काम नहीं चलेगा। जानती हूँ, पर पता नहीं कौन सा लड़का इसके भाग्य में है। बेटे, हमारा घर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। दामाद बनोगे हमारे? धनवती, बेटी धनवती। आई माँ। बेटे, यह है मेरी बेटी धनवती। धनवती। सहारे उसने तेरा सुहा खरीदा था और मैंने भी धन के सहारे तेरा सुहा खरीदना चाहा, मगर कुछ ना हो सका बेटी, कुछ ना हो सका। कुछ No।
राजकुमार नहीं रहा, पर उसके प्राण बचाने के लिए तुम्हारे इस साहसी बेटे ने जो कुछ भी किया, अपने प्राण झोंक दिए, वो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो हम कभी नहीं भूल सकते। इस बच्चे के पिता कहाँ हैं? हमें संदेश मिला था कि उनका देहांत हो गया। ओह, तुम अकेली हो? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है महाराज। क्या काम करती हो? सीना पे रोना करके अपना पेट पालती हूँ अन्नदाता। फिर आज से तुम हमारे साथ महल में रहोगी। राजकुमार की जगह हम इस बच्चे को गोद लेंगे। ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। नहीं वैद्यराज, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमार जी, महाराज की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो आपको याद कर रहे हैं। पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको पिताजी? बेटे, जिस साहस और वीरता से मेरे बेटे के प्राण बचाने का एक दिन तूने प्रयत्न किया था, हमारे पास एक नए राजा के रूप में उसी साहस और वीरता से हमारे राज्य की रक्षा करना। पिताजी, 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 पिताजी। अपने पिता के देहांत के बाद पुत्र को तीर्थराज किया जाकर श्राद्ध कर अपने पिता का पिंडदान करना पड़ता है बेटे। इतनी कहानी सुनाकर वैताल रुक गया। उसने विक्रम से एक प्रश्न किया, बता इन तीनों में इस लड़के का पिता कौन है? धनवती का बेटा किसके हाथ में पिंड दे? इनमें एक हाथ उस चोर का है जिससे धनवती का विधि पूर्वक विवाह हुआ था, दूसरा हाथ उस युवक का है जो रुपयों के लालच में धनवती का पति बना था, और तीसरा हाथ उस राजा का है जिसने धनवती के बेटे को अपने पुत्र की तरह पाला। जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े करूंगा। लड़के का पिता है वो चोर जिसने मरने से पहले धनवंती से विधिपूर्वक विवाह किया, दूसरे को धन का लालच था, तीसरे ने कर्तव्य पूरा किया, इसलिए चोर से हुआ विवाह ही धनवंती का विवाह है। धनवंती के बेटे का पिता वही है वो चोर जो बेचारा बिना सुख पाए मर गया। अरे वाह, वाकई तू बहुत बुद्धि वाला है। अरे तेरा जैसा ना राजा बुद्धि वाला हुआ, ना न्याय वाला हुआ, ना कभी होगा। मगर मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं, मैंने कहा था ना कि मैं तेरे बोलने के साथ ही चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं।
तू बोल गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है। विक्रम 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 बेटा, विक्रम 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 बेटा, विक्रम 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 बेटा, विक्रम 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 बेटा, विक्रम और 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 बेटा, विक्रम और